जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि 15वां सन 2020 में होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि AIBE की जो ईमेल एड्रेस है वो क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो क्या हैं, हेल्पलाइन नंबर क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो ईमेल एड्रेस है वो है aibe.bci@gmail.com। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्मॉल में है पूरा aibe.bci@gmail.com। इसके बाद में इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर वन है डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर AIBE। सबसे पहले आपको एक चाहिए पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ जो कि कलर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके सिग्नेचर, इसके बाद में आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर आपकी इनरोलमेंट स्लिप जो कि एक पोस्ट कार्ड के रूप में भी हो सकती है या फिर एक रसीद के रूप में भी हो सकती है। इस बारे में मेरी AIBE से ईमेल के माध्यम से वार्तालाप हो चुकी है जिसमें कंफर्म किया गया है कि यदि आपके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके स्थान पर आप इनरोलमेंट स्लिप लगा सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके रिस्पेक्टेड बार काउंसिल में अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। ये भी मैंडेटरी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करने वाले हैं उनको आप पहले एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, फिर उनको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, अपने सिग्नेचर कर दीजिए, इसके बाद में उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में रख लीजिए जहाँ से आप वहाँ उनको लिंक करेंगे, अटैच करेंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ एंड साइन आर करेक्टली अपलोडेड। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान रखनी है कि जब आप इसको स्कैन करके अपलोड करेंगे तो स्कैनिंग में भी काफ़ी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि स्कैनिंग के टाइम पर यदि आपने गलती कर दी तो वो उसकी साइज़ गड़बड़ हो सकती है, और साइज़ गड़बड़ होने के कारण यदि आपने पूरा पेज स्कैन कर लिया है और पूरा का पूरा पेज आपने अपलोड कर दिया है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ जब आप प्रिंटर पर रखते हैं या फिर स्कैनर पर रखते हैं तो वो ना केवल आपकी फ़ोटो स्कैन करता है बल्कि पूरे A4 साइज़ को स्कैन कर लेता है, तो उस ब्लैंक एरिया को आपको क्रॉप करना पड़ेगा, तभी आप उसको सही साइज़ बना करके अपने सिस्टम में रखें फिर उसको अपलोड करें। सेम कंडीशन होती है सिग्नेचर में, ऐसे ही जो भी ब्लैंक एरिया आपका बचता है डॉक्यूमेंट या सिग्नेचर या फोटोग्राफ अपलोड स्कैन करने के बाद में उसको क्रॉप करके हटा दीजिए और एक अलग से फोल्डर बना करके अपने डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कैंडिडेट्स डू नॉट हैव टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, जो भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे या फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर देंगे भर करके, उसको आप किसी भी तरीके से बाई पोस्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है, ना ही साधारण डाक से, ना ही रजिस्ट्रेशन डाक से, ना ही स्पीड पोस्ट से। पॉइंट नंबर 5 है मेक श्योर यू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर योर रेफरेंस। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो आप फॉर्म भरते हैं उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। हो सकता है आपने इसको यदि प्रिंट नहीं रखा और आपका सिस्टम ख़राब हो जाए, हैंग हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए बाय द वे, तो ऐसे में आपके पास रेफरेंस नंबर रहेगा, एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने AIBE 15 के लिए आवेदन किया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है फ़ी स्ट्रक्चर।
फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सेम है, दोनों के लिए 2560 यानी कि 2560 रुपए मात्र है। अंग्रेजी में यदि आप जानना चाहें तो 2560 रुपीज़ ओनली। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर अपलोडेड कास्ट सर्टिफिकेट। एस सी एस टी के कैंडिडेट्स को अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एस सी का सर्टिफिकेट अथवा एस टी का सर्टिफिकेट जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो लगाना अनिवार्य है, तभी आपको ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अन्यथा आपको ओबीसी और जनरल के बराबर समकक्ष फीस जमा करनी होगी। ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स के लिए फीस है 3560 रुपए यानी कि 3560 अंग्रेजी में, 3560 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड ये काफ़ी राहत भरी बात है कि ऑनलाइन भी है और एसबीआई चालान से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेमेंट मोड एक बार आप सेलेक्ट करने के बाद उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। या तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए या फिर ऑफलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। ऑफलाइन में आपका एसबीआई चालान रहेगा जो कि आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में विजिट करके चालान बनवा सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑनलाइन करेंगे तो घर बैठे आप अपना काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे और सावधानीपूर्वक इसको सिलेक्ट करें। बाद में यदि आप एसबीआई चालान को सेलेक्ट कर लेते हैं और आप भागम भाग से बचने के लिए ऑनलाइन पर जाना चाहेंगे तो ये दिक्कत भरी बात है। पॉइंट नंबर 8 है हेल्पलाइन नंबर, जो कि आपके मंडे टू सैटरडे खुले रहेंगे 10 बजे से 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। हेल्पलाइन नंबर 1 है 9804580458। दोबारा सुनिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, 9804580458। काफ़ी सिंपल नंबर है। हेल्पलाइन नंबर 2 है 01149225022। हेल्पलाइन नंबर 3 है 01149225023। तो ये काफ़ी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डेट्स जो आप देख रहे हैं वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही है। तो एक्टिविटी, इम्पोर्टेंट डेट्स और डे तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिंस फ्रॉम, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा वो होगा 16 मई 2020, यानी कि 16th of May 2020, दिन रहेगा सैटरडे। नेक्स्ट, बैंक पेमेंट थ्रू चालान स्टार्ट्स फ्रॉम, जो बैंक का चालान है उसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 16 मई 2020, 16th of May 2020, ये भी सैटरडे का दिन रहेगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे जिस दिन, वो तारीख रहेगी 27th July 2020, 27 जुलाई 2020, मंडे। नेक्स्ट, लास्ट डेट फॉर पेमेंट, जो पेमेंट रहेगी जो कि ऑनलाइन पेमेंट रहेगी उसको सबमिट करने की लास्ट डेट रहेगी 29th जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, वेडनेसडे का दिन रहेगा। नेक्स्ट है लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, फीस जमा करने के बाद आप जब उसको फाइनल सबमिट करेंगे उसकी लास्ट डेट है 2nd of August 2020, संडे, यानी कि 2 अगस्त 2020। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स, जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे उसकी डेट रहेगी 9th of August 2020, संडे का दिन 9 अगस्त 2020। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ एग्जामिनेशन।
तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, इसको स्पेशली आप हाईलाइट करके रखिएगा, क्योंकि इस डेट में आप किसी भी तरीके से मिस मत करें। इसके पहले ही आपको सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा, और अमूमन सेंटर जो होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, आपकी सिटी से बाहर भी हो सकता है, इसीलिए आपको एक दो दिन पहले निकलना पड़ेगा। इसलिए आप इसको हाईलाइट करके रखिए, अलग से नोट करके रखिए, या फिर आप अपने जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका के रखिए। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम है 16 अगस्त 2020 संडे। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो 15 अगस्त है हम मनाते हैं, उसके जस्ट एक दिन बाद जो संडे पड़ रहा है उसमें हमारा एग्ज़ाम रहेगा। तो 15 अगस्त के जस्ट बाद एग्ज़ाम रहेगा। अब आप देख लीजिए कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है AIBE, उस पे क्या नोटिफिकेशन शो हो रहा है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर AIBE 15, नोटिफिकेशन नंबर AIBE WS 164 10th of May 2020। दिस इज टू नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट्स दैट द शेड्यूल फॉर AIBE 15 हैज़ बीन डिसाइडेड, काइंडली क्लिक हियर टू व्यू द शेड्यूल, ऑल्सो द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड एट द कैंसल्ड सेंटर्स फॉर AIBE 14 और टू बी अपडेटेड सून। तो जो AIBE 15वां है उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं और जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, और इसके अलावा जो AIBE 14वां था उसके लिए जो भी जानकारी दी जाएगी वो जल्दी ही वेबसाइट पर शो होगी। तो ये था इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। यदि आपको ये जो क्लिक हेयर में PDF दी गई है, आप चाहें तो वेबसाइट पर जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। यदि आप वहाँ से ना जानना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9198275806। इस नंबर पर आप मुझे क्वारी डालेंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, और जो भी जानकारी है आप मुझसे ले सकते हैं डायरेक्टली। तो फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करते हुए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, यदि अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, साथ में कमेंट भी करिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको AIBE का एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन AIBE नहीं दिया है, और साथ ही साथ उन्हें COP नंबर इशू नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है ऑल एडवोकेट्स के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।